जय गुरु। आज के आलोचना का टॉपिक ये है, अनुकूल चंद्र ठाकुर ने कैसे लोभ को दमन किए थे। एक बार स्कूल से घर लौटने के समय बालक अनुकूल चंद्र को मिठाई की दुकान में रसगुल्ला देखकर खाने की इच्छा हुई। धीरे धीरे रसगुल्ला का लालच अपनी तरफ आकर्षित करने लगा। बालक नित्य रसगुल्ला खाने लगा। ज्यों ही बालक अनुकूल चंद्र के दिमाग में यह विचार आया कि लालच ने उस पर अपना कब्जा जमा लिया है, तो उन्होंने उसी क्षण यह फैसला किया कि अगले दिन से वो मिठाई नहीं खाएगा। अगले दिन स्कूल से लौटते समय बालक भूखा भी था और मिठाई का लालच भी अपने तरफ खींच रहा था। पैर मिठाई की दुकान की तरफ जा रहा था, लेकिन दिमाग लालच पर काबू करने के लिए संघर्ष कर रहा था। बालक लालच पर काबू करने के लिए ज़मीन पर लेट गया। कुछ समय तक इसी तरह ज़मीन पर लेटे हुए मुट्ठी से घास को जोर से पकड़े रहने के बाद बालक की रसगुल्ला खाने की तीव्रता धीरे धीरे कम होकर विलुप्त तो हो गई। इसी तरह बालक अनुकूल चंद्र आसक्ति को अपने बस में कर लिए। बालक के जीवन में आसक्ति भी अलौकिक थी और वैराग्य भी असाधारण था। आसक्ति देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि ऐसा आसक्त व्यक्ति दूसरा नहीं है। यह आसक्ति जिस दिशा में दौड़ती है उसी दिशा में ही तीव्र वेग से चलती रहती है। जय गुरु।